एंड दोस्तों सिंपल वन दोबारा से लाइमलाइट में आने की पुरजोर कोशिश कर रहा है भाई। रिसेंटली उन्होंने क्या इवेंट करे हैं, क्या ही क्या करे हैं, डिलीवरी इवेंट करा है भाई, जहां पे इन्होंने बहुत सारे सिंपल वन को खड़ा करा, उनके ओनर्स को बुलाया और कहा जाओ चलाओ स्कूटर तुम्हारा हो गया ऐसे। तो यहाँ पे मेरे को एक्चुअल में तो नहीं पता कितने स्कूटर थे, लेकिन मैंने वाहन डेटा से माल निकाल लिया इनका कि कितने बेच रहे हैं, क्या डेटा है मैंने निकाल लिया। तो यहाँ पे 83 फरवरी में अभी तक सेल हो चुके हैं इनके, जो आप मोस्टली देख रहे हो मेरे हिसाब से यहाँ पे सिंपल डॉट वन ही होंगे, जो कि कंपनी ने पुराने बंदों को जिन्होंने 110,000 की बुकिंग करके बैठे थे उन्हें उतने का ही दिया है। लेकिन अगर अब आप लेने जाओगे तो सिंपल डॉट वन आपको पड़ेगा 140,000 का, 3.7 किलोमीटर इसके अंदर बैटरी है, 150 किलोमीटर यहाँ पे रेंज है ITC वाली। उसके ऊपर आता है सिंपल वन जिसकी प्राइसिंग है 1,65,000 और उसकी जो ITC रेंज है वो 212 किलोमीटर। मतलब अगर यही प्राइसिंग रखनी थी तो यार सपने क्यों दिखाए, लोग सपने लेके बैठ गए थे भाई 1,10,000 में हमें स्कूटर मिल जाएगा, इसमें 200 की रेंज होगी, 250 की रेंज होगी और देखो अब क्या मिल रहा है। इसलिए कहता हूँ कोई भी नई कंपनी नए वादे करे मत माना करो भाई, आटे में नमक चल जाता है, नमक में आटा नहीं चलता है, ये कंपनी घूम फिर के वहीं पे आ गई, अब वो बात रही नहीं। इसके अलावा कंपनी ने अपना एक्सपीरियंस सेंटर भी खोल दिया है बेंगलुरु के अंदर ही, जहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स जाके वीडियो भी बना के आए हैं यूट्यूब पर डाले, जहाँ पे स्कूटर हमें दिख रहे हैं और टेस्ट राइड भी चालू हो चुकी है, अगर आप बेंगलुरु से तो आप जाके देख सकते हो। तो जो भी हो रहा है सिर्फ अभी बेंगलोर के अंदर ही हो रहा है, भूल जाओ वो सपने यार दिल्ली में कब आएंगे वो कब आएंगे नहीं पता, मुझे लग रहा कंपनी को भी नहीं पता कब आना है भाई, फिंगर क्रॉस कंपनी उठ जाए चल जाए। पर लेकिन वही वाली बात है ना, सेम इधर जैसा प्रोडक्ट आप ला रहे हो लेकिन इधर जैसी गुडविल या फिर इधर जैसी जो पूरा कहते हैं ना इन्वायरमेंट कैसे लाओगे, वो 10 साल पुरानी कंपनी सिंपल वन थोड़ी नहीं है। बाकी देखते हैं क्या होता है, आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में। दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके ना लोगों के दिमाग में नए नए सवाल आते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी भाई नहीं है, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि भाई हमें बैटरी कब बदलवानी पड़ेगी, क्योंकि बैटरी सबसे ज्यादा कॉस्टली होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। तो दिमाग में ये तो क्वेश्चन रहता है यार बैटरी जिस दिन बदलेगी ना उस दिन सारा बचाया पैसा निकल जाएगा। मेरी वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं भाई कि अभी तो सही चला रहे हो भाई, जब 3 साल बाद बैटरी बदलेगी इसकी 50,000 की जब पता चलेगा कितनी सेविंग हुई है। और मैं बहुत लोगों को जितना मैं समझा सकता हूँ समझाता हूँ भाई कि 3 साल तो ब्रांड ही वारंटी दे रही है, ऐसा नहीं है कि भाई वारंटी खत्म बैटरी खत्म, बैटरी वारंटी खत्म होती है तो मैं बैटरी बदलवानी, ऐसा नहीं होता है भाई। तो रिसेंटली एक बंदा इसका नाम है क्रिश्चियन किटेचो विल, जिसने ट्विटर में अपनी कहानी बयां करी है भाई। इस बंदे ने 2018 में भी टेस्ला मॉडल एक्स खरीदी थी और लेती इसने भाई खूब भगाई अपनी गाड़ी, खूब दबा के भगाई है, साल में 80,000 किलोमीटर चला लेता था। इसको जो जानने वाले थे वो कहते थे तो पागल है यार तेरी वारंटी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, लॉन्ग टर्म में से चलाना नहीं चलाना, लेकिन ये बंदा एंथुजियास्ट था खूब भगाता था। आज 5 साल बाद इस बंदे ने अपनी टेस्ला मॉडल एक्स का स्टेट शेयर कर दिए हैं भाई, जो कि आपको डिस्प्ले दिख रहे हैं। इनने बताया कि भाई मैंने 4,20,420 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं और मेरी जो बैटरी डिग्रेड हुई है वो ये सिर्फ 13%, जबकि 73% इसने DC फास्ट चार्जिंग का यूज किया है। अगर ये DC फास्ट चार्जिंग ना भी यूज करता तो और भी कम डिग्रेडेशन होती, 13% डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा कम होती है। जिन्हें नहीं समझ आ रहा मैं इजी करके बता देता हूं, अगर किसी कार की जो रेंज थी वो थी 500 किलोमीटर जब उसे खरीदा था, 5 साल बाद वो कार 435 किलोमीटर की रेंज दे रही है, अब भाई इतने में तो जो इंजन होते हैं ना उनकी इफिशियंसी बहुत ज्यादा घट जाती है इतना चलने के बाद। इसके अलावा इस बंदे से एक चीज और पूछी कि भाई तेरी कार वैसी की वैसी है कुछ बदला भी है, इसने बताया कि हाँ भाई बहुत सारी चीजें बदली हैं, अपर कंट्रोल आर्म फ्रंट एंड रियर, PTC, MCU, ड्राइवर सीट रिप्लेसमेंट, स्टेयरिंग कॉलम जॉइंट, 12 वोल्ट की बैटरी, ABS सेंसर, रियर पार्किंग, मतलब बहुत कुछ बदला इसका, लेकिन सब कुछ अंडर वारंटी। तो इस बंदे ने तो भाई पूरे पूरे अपने पैसे वसूल कर लिए। हालांकि अब इसकी जो कार है वो आउट ऑफ वारंटी है, टेस्ला उस जमाने में आई थिंक 8 साल या फिर 1.5 लाख माइल की वारंटी देता था, और आप कन्वर्ट किलोमीटर में 2,40,000 किलोमीटर हो जाते हैं ये, तो कार तो उसकी ऑटो वारंटी हो गई, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है इसने अपने पूरे पैसे वसूल कर लिए। तो ये एक बिल्कुल आंसर हो जाता है आपके लिए कि वारंटी खत्म तो बैटरी खत्म, ऐसा नहीं है भाई। जो भी अच्छी ब्रांड है जो अच्छी वारंटी प्रोवाइड करती है, चाहे वो ओला हो, इथर हो, बजाज हो, TVS हो, रिवोल्ट हो, कार में अपनी फिर टाटा आ गई, MG आ गई, महिंद्रा आ गई, जितनी वारंटी देते हैं ना उससे बहुत ज्यादा चलती है एक्चुअल बैटरी। एंड दोस्तों इलेक्ट्रिक स्कूटर के मामले में ना ओला का कोई हाथ पकड़ नहीं पा रहा है भाई। रिसेंटली इन्होंने अपने स्कूटर को बहुत ज्यादा लो कर दिया था, डिस्काउंट कुछ ज्यादा ही दे दिए इन्होंने, जिसके वजह से 3 दिन के अंदर इनके 10,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल हो गए हैं भाई। और मैं आपको थोड़ा डेटा दे दूं तो पिछले महीने जो जनवरी थी, जनवरी के अंदर इधर के टोटल जनवरी महीने के अंदर 9,000 इलेक्ट्रिक टूलर सेल हुए थे, बजाज के आई थिंक उसके आसपास थे, TVS के थोड़े ज्यादा होंगे, मतलब 3 दिन में इन्होंने पूरे महीने का हिसाब कर दिया अगर आप इधर से कंपेयर कर रहे हो। हालांकि इधर के भी बढ़ेंगे क्योंकि इधर ने भी अपने डिस्काउंट 20,000 रुपए घटा के अपने 450S को सस्ता कर दिया है। चाहे आपको इधर लेना है, बजाज लेना है, TVS लेना, TVS पे कोई ऑफर नहीं आ रहा, बनाना उसे छोड़ देते हैं, ओला ले लो। तो इन 3 कंपनियों मतलब जो भी जैसे सस्ता तुम्हें मिल रहा है भाई लेके नक्की करो, वेट मत करो भाई आगे का। मुझे पर्सनली थोड़ी गंदी वाइब से आ रही है यार कि
फेम टू कम होगा ऐसा लग रहा है मेरे को। आई डोंट नो भाई कोई किस लिए भी डिस्काउंट दे रहा हूँ, पर मेरा मतलब यह है कि लाभ उठाओ, जिसका जोन सा समझ आ रहा है स्कूटर ले मारो। दोस्तों BYD की सिल इलेक्ट्रिक कार इंडिया में 5 मार्च को आ रही है, मैंने पिछले भी टॉक में बताया था, लेकिन इस बार पूरी स्पेक्स के साथ आया हूँ भाई। ऑटोकार ने रिसेंटली इसकी पूरी स्पेक्स रिवील कर दी है कि जो इंडिया में आ रही है उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो एक कार जो है भाई रियल व्हील ड्राइव में आएगी, यानी पीछे वाले एक्सल पे मोटर लगी हुई है, जिससे पावर निकलेगी 230 HP, 360 Nm का टॉर्क, 0-100 चली जाएगी 5.9 सेकंड में। ब्लेड बैटरी पैक का यहाँ पे यूज हुआ है, जिसकी कैपेसिटी है 82.5 किलोवाट आर, जिसे क्लेम्ड रेंज मिलेगी 570 किलोमीटर की। मैक्सिमम DC फास्ट चार्जिंग होगी 150 किलोवाट की, जिससे 10-80% 37 मिनट में चार्ज हो जाएगी। 11 किलोवाट की AC फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगी, जिससे 0-100% चार्ज होगी 8.6 घंटे में। इसके अलावा सुनने में आ रहा है इसका एक ऑल व्हील ड्राइव वर्जन भी आ सकता है, इसमें पावर ज्यादा हो जाएगी, रेंज थोड़ी सी कम हो जाएगी, पावर हो जाएगी 530 HP के अराउंड और रेंज होगी 520 किलोमीटर। इस कार का अगर हम डायरेक्ट कॉम्पिटिटर की बात करें तो वर्ल्ड वाइड इसे कंपेयर किया जाता है टेस्ला मॉडल 3 से, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि टेस्ला इंडिया में अभी तक नहीं आ पाई है, BYD आ गया है भाई। और यहाँ पे अगर आप इंडिया के अंदर कंपैरिजन करोगे तो हो जाती है भाई हुंडई की आयोनिक 5, जिसकी प्राइसिंग है 46 लाख रुपए। ये भी एक रियल व्हील ड्राइव कार है, 217 HP की पावर जनरेट करती है, 72 किलोमीटर का बैटरी पैक है, 630 किलोमीटर की रेंज देती है, तो इंडिया के अंदर तो इसका यही राइवल हो जाती है। और ये जो कार आएगी BYD सील, ये फुल्ली इंपोर्टेड होगी, बनी बनाई आएगी भाई, इंडिया में से बनाया नहीं जाएगा। और अगर वीडियो में यहाँ तक आयो तो भाई सच्चे ईवी लवर हो, तुम सच्चे ईवी लवर क्या करता है, वीडियो को लाइक करता है, चैनल को सब्सक्राइब करता है, बेल आइकन को दबा देता है। दोस्तों रिसेंटली आपने सुना होगा भाई ये इतना तगड़ा हो गया है, टेक्स्ट डालो भाई सीधा वीडियो बन जा रही है, AI वीडियो बनाने लगा है, अब ChatGPT का ही भाई आ गया है सोरा, वो बना दे रहा है भाई। और उसकी कुछ रिसेंटली वीडियोस भी आई थी जो कि कुछ इस प्रकार की थी, उनमें से एक ये वाली है जो कि है पिल्ला भाई बर्फ में दबा हुआ है, फिर वो उठ के भाई अपने सर से बर्फ हटाता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं, इसमें हमने कमांड डाली पिल्ले को रिप्लेस करो कार से, इलेक्ट्रिक कार। तो भाई ये जो है अब आप देख पा रहे हो, ये कार भी अब बर्फ हटा रही है भाई, ऐसी ऐसी करके जैसे वो पिल्ला कर रहा था। मस्त लगाना कैसे हुआ, तो ये रियल है भाई, ये कर रहे हैं भाई चाइनीज, मतलब वो समझ नहीं आ रहा है क्या क्या बना दे रहे हैं। इससे पहले हमने यांगवांग U8 देखी, जो कि पानी में तैर जा रही है, इतनी भारी SUV है, पानी में तैर गई भाई। फिर देखिए U9, जिसका चलते चलते एक पहिया निकल जाए तो भी वो चल जाएगी। और अब ये आ गई है नियो की ET9 इलेक्ट्रिक कार, जो कि अगले साल आएगी, प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार होगी ये, ये अपने सर से भाई बर्फ हटा देगी। अब ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, जो बर्फ़ वाली कंट्री है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भयंकर बर्फ पड़ती है, रशिया भी वैसे ही है, वहाँ पे कि अगर आपको एक बटन दबाना और भाई ये गाड़ी डक 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 करके सारी बर्फ हटा देगी, सारा काम अपना मिनटों में हो गया भाई, जो घंटे खा जाते हैं। पर मुझे समझ नहीं आ रहा ये चाइनीज कितना आगे बढ़ते जा रहे हैं भाई। इस कार का जो फीचर है इसे बोलते हैं स्काई राइड, जिसमें कार की जो सस्पेंशन है खुद भाई अपने आप एडजस्ट होते हैं, इस तरह की डांसिंग मूव कर देते हैं और बर्फ सारी हट जाती है। बहुत आगे जा रहे हो भाई, बहुत आगे निकल गए भाई चाइनीज। अब मुझे नहीं लगता, मतलब मन तो नहीं करता इनकी तारीफ करने का, लेकिन बहुत आगे जा चुके हैं। एंड दोस्तों फाइनली ये इधर का जो 450 एपेक्स मॉडल था, इनके फ्लैगशिप का भी फ्लैगशिप मॉडल है भाई, ये बनना चालू हो गया इनके असेंबली लाइन पे। कंपनी के CEO ने कुछ पिक शेयर करी है कि ये देखो भाई हमने बना लिया है अपना 450 एपिक्स मॉडल, अब यहाँ से बनना स्टार्ट होगा, अगले हफ्ते से डिलीवरी चालू हो जाएगी और आपके नियरेस्ट सेंटर पे पहुँच चुका है। अगर आपने इसे किसी ने देख लिया तो कमेंट बताना कि भाई कैसा लगता है, वैसे देखना तो मैं भी चाहता हूँ इसे। खैर अगर आप में से किसी ने लिया भी है तो भी कमेंट बताओ भाई, कौन है वो बाशिंदा जिसने 2 लाख रुपये का स्कूटर खरीदा है इधर का। इसके अलावा जो टेस्ट राइड वगैरह वो भी चालू हो जाएंगी इसकी। और क्या रह गया इस पर, मेन स्पेक्स बता दूँ, 0-40 चला जाता है 2.9 सेकंड में, 7 किलोवाट इसकी पीक पावर है। बस दोस्तों रिसेंटली इंस्टाग्राम पे मैंने एक तगड़ी सी वीडियो देखी, जिसे देख के मेरे को तो मजा सा आ गया, तुम देख के बताना कैसी है भाई। तो ये है वो वीडियो, हेलो जी आपको एम्बुलेंस है? नहीं मैंने वो एकदम से कोई एक डियर आ गया था सामने तो बहुत तगड़ा ब्रेक मारा भाई। कहां पहुंच गई है भाई दुनिया, क्या सेफ्टी फीचर था भाई ये, मतलब गिनती के यहाँ पे 4-5 सेकंड में सीधा कॉल आ गया भाई SOS का कि भाई आपको कोई जरूरत है एम्बुलेंस वगैरह की। तो ये है भाई तरक्की भाई, ये है फीचर, ये है सेफ्टी फीचर, मजा आ गया। पर्सनली मैं बताऊं तो मैंने ये पहली बार देखा है, अगर आपने इससे पहले कहीं और देखा किसी और कार में कमेंट में बताओ। और अब बात करते हैं कुछ क्विक अपडेट्स। एक बंदे ने भाई 10 रुपए के सिक्के जोड़े और 1 लाख रुपए कर लिए और उसे सीधा लेके पहुंच गया इधर के शोरूम और कहा मुझे स्कूटर दे दो। देखो PR के लिए सही है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ में वो दुकानदार भगा देगा, भग जाए यहां से, बोनी नहीं हुई है, सुबह सुबह आ गए चिल्लर लेके, तो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है भाई ये। PR स्टंट के लिए
ठीक है। बाउंस ने भी अपने इन्फिनिटी E1 प्लस स्कूटर पे 24,000 रुपए घटा दिए और ये भी आ रहा है अब 90,000 में। गवर्नमेंट ने 18 फरवरी तक फेम 2 सब्सिडी का जो पूरा टारगेट था उसमें से 79% अचीव कर लिया है, यानी कि 21% अभी भी लेफ्ट है जो कि मार्च तक खत्म करना है। लैम्बोर्गिनी के बॉस ने बोला है कि भाई ईवी इवेंचुअली में आएगी आएगी, लेकिन जो हाइब्रिड है उसका ट्रांजिशन भी हमें यूज करना पड़ेगा रेलेवेंट रहने के लिए। अल्ट्रा वर्ल्ड के नए CFO होंगे मिस्टर अजय शंकर। यूरो ने दोबारा से फंडिंग उठाई है भाई बजाज और मैग्ना से 160 करोड़ की, जिसमें से 45 करोड़ दिए हैं बजाज। MG की नई इलेक्ट्रिक कार आ रही है, पहले रूमर आ रहे थे लेकिन अब MD ने ही कंफर्म कर दिया कि यस फेस्टिव सीजन में हम अपनी एक नई कार ला रहे हैं। टेस्ला जो है अपने सोलर पैनल्स को ला सकता है इंडिया के अंदर, ऑलरेडी इनकी बातचीत चल रही है गवर्नमेंट के साथ कुछ सब्सिडी को लेके, तो बहुत जल्द आपको इनके सोलर पैनल इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। विनफास्ट जो कि वियतनाम की कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाती है, तमिलनाडु में ये 25 फरवरी यानी आज ही के दिन भूमि पूजन करेंगे, ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे अपनी फैक्ट्री के लिए। विद्युत ने भी भाई अपनी सीरीज ए की फंडिंग में $10 मिलियन उठा लिए। महिंद्रा अक्टूबर 2026 से पहले अपनी 4 इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करेगा, जिनमें इसकी BE05 आ गई, XUV.E8 आ गई, दो और भी है। फोक्सवैगन कंपनी के अंदर एक बड़ा शेयर लेने के लिए दो कंपनी भाई आप कह सकते हो रेस में या फिर ताड़ में है, एक तो है महिंद्रा, दूसरी GSW ग्रुप। महिंद्रा की XUV09 इलेक्ट्रिक कार को स्पॉटेड किया गया चार्जिंग के दौरान, कैमोफ्लेज हो रखी है पूरी की पूरी